हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया ही होंगे। तो यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग वाले जो है गेम का। बहुत पुरानी गेम है, मैं जब छोटा था 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ तब भी ये गेम जो है मिलता था और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। आज भी इतना ही पॉपुलर है और स्पेशली जो है कस्टमर लोग आते हैं इसको स्पेशली ख़रीदने के लिए कि भाई मेरे बच्चों के लिए या तो फिर मेरे भांजे भतीजियों के लिए आप क्या ब्रेनविटा दे सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग वेरिएंट्स में आता है, सस्ता वाला भी आता है। तो हमारे शॉप पे जैसे 50 रुपये का, 60 रुपये का, 75 रुपीज़ का, इससे भी एक बड़ा आता है, बट वो ज़्यादा महंगा कोई लेता नहीं है। क्योंकि इसमें जो है ना, अगर इसको कैसे सोल्व करना है इसका यूट्यूब का वीडियो नहीं देखा है तो आप अगर बच्चा स्मार्ट इतना नहीं है तो वो एक वीक में, एक महीने तक जो है इसको सोल्व नहीं कर पाएगा। बट बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंगल प्लेयर गेम है, बच्चा आराम से बैठ के जो है खेल सकता है और उनका टाइम जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है टॉयस बॉक्स करके कंपनी है, उसके द्वारा बनाया हुआ है और इसका ये मिनी मॉडल है कलरफुल ब्रेनविटा। जनरली इतना कलरफुल नहीं आता है, नॉर्मल सा जो सस्ता वाला आता है। ओके, तो ये जो है 5 साल से बड़े बच्चे इसको खेल सकते हैं और इसके अंदर जो है डिफरेंट कलर्स की ट्रे आती है और इसके अंदर कौन सी कलर की ट्रे है वो हम खोल के देखेंगे। 4 कलर्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं मतलब, और मार्बल्स आते हैं इसके अंदर। 75 रुपीज़ इसकी प्राइस है। सोलो गेम है बट बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कलर की ट्रे है इसके अंदर, मतलब आती है इसके अंदर तो एक ही ट्रे है। ओके, तो इसके अंदर क्या कंटेंट है, तो 33 जो है इसके अंदर मार्बल आते हैं और एक प्लेइंग बोर्ड आता है। ओके, तो प्रेम रत्न टॉयज जो है मुंबई बेस्ड कंपनी है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। तो टॉयस बॉक्स जो है प्रेम रत्न जो है उसका मे बी कोई ब्रांड है ऐसा कुछ है। और फिर यहाँ पे हाउ टू प्ले यहाँ पे लिखा गया है कैसे इसको खेलना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विनर जो है कैसे जो है मतलब मेजर किया जाता है कि भाई अगर 4 मार्बल जो है रह जाते हैं तो ट्राई अगेन, 3 मार्बल है तो रह जाते हैं तो इंटेलिजेंट, 2 मार्बल अब वो इंटेलिजेंट और 1 ही मार्बल जो है रह जाता है तो वो स्मार्ट। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि इसके अंदर पहले इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देना है आपको सभी मार्बल्स को, बीच में एक खाना खाली रहेगा और उसके बाद में जो है इस तरीके से ये मार्बल जैसे कि है तो इसको जंप करेंगे यहाँ पे तो ये मार्बल गेम से निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये मार्बल को यहाँ पे जंप करेंगे तो ये मार्बल निकल जाएगा, फिर ये मार्बल को यहाँ पे जंप करेंगे तो ये मार्बल हट जाएगा। तो ऐसे हटा हटा के जो है ऐसा सीक्वेंस बनाना है कि एट द एंड जो है ना यहाँ पे बीच में एक मार्बल रहना चाहिए। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो है ना आप मतलब इस तरीके से आगे और साइड में जंपिंग करा सकते हैं बट क्रॉस में जो है जंपिंग नहीं करा सकते। जैसे कि यहाँ पे जो है ये वाला मार्बल है तो ये मार्बल हटाने के लिए ये मार्बल को यहाँ पे जंप नहीं करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है क्रॉस नहीं करना है बेसिकली। आई होप आप समझ गए होंगे, मतलब आगे और साइड में इस तरीके से ही करना है। तो यहाँ पे नियम लिखे हैं, इसको आप पढ़ के आराम से इसको खेलना शुरू कर सकते हैं और यूट्यूब पे वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे। तो इसको भी जो है मैं खोल के बता देता हूँ कैसी क्वालिटी है। मुझे तो ये गेम बहुत ही पसंद आया था और मैंने इसका वीडियो भी बनाया है इसको कैसे खेलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है प्लास्टिक मटेरियल मिल जाता है और 33 मार्बल्स है इसके अंदर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 तो 33 खाने हैं और 32 मार्बल्स है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, 33 मार्बल्स है तो 34 खाने होने चाहिए एक्चुअल में, थोड़ी सी गिनती में मुझे लगता है गलती हो गई। तो इस तरीके के मार्बल्स है, आप चाहे तो बाज़ार से थोड़े से महंगे वाले मार्बल्स भी खरीद सकते हैं। ये वैसे बहुत ही सस्ते वाला मार्बल है, मतलब समझ लीजिए ना कि हम हमारे शॉप पे 1 रुपये के 10 मार्बल इसको बेचते हैं। एक्चुअल में थोड़े से अच्छे वाले मार्बल इसमें देने चाहिए तो कोई बात नहीं, बट ये गेम जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, इसको आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और ये अपने अपने बच्चों को, भांजे भतीजियों को गिफ्ट में ज़रूर करिएगा और उनको जो है चैलेंज भी करिएगा कि भाई इसको जो है आप इतने टाइम के अंदर सॉल्व करके बताओ और यूट्यूब के वीडियो को देखे बिना। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिए और अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करिए। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लोकल स्टोर्स के अंदर भी मिल जाएगा, तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। 75 रुपीज़ का आता है और अगर आपको कहीं से नहीं मिल पाता है तो ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट आप हमसे भी ऑर्डर करवा सकते हैं, बट आपको 75 रुपीज़ प्लस डिलीवरी चार्जेस एडवांस पे करने पड़ेंगे। ओके, पेटीएम के जरिए, बट वैसे आई थिंक 75 रुपीज़ प्लस डिलीवरी चार्जेस आपको शायद महंगा पड़े, तो हो सके तो आप ऑनलाइन खरीद लीजिए या तो लोकल मार्केट से ही खरीद लीजिए, मुझे ऐसा लगता है, कोई बात नहीं जो भी है। ओके, तो उसके अलावा जो है यहाँ पे अगर ये वीडियो पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि भाई वो बचपन में किस तरीके के खेल खेलते थे या तो किस तरीके के खिलौने से खेलते थे,
मतलब इंडोर आउटडोर कौन से गेम्स खेलते थे वो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आप चाहें तो एक और चीज़ शेयर कर सकते हैं कि भाई आपके बच्चे जो है उसके पीछे आपने आज तक जो है कितना खर्चा किया है। जैसे कि आपका बच्चा 3 साल का 5 साल का हो गया है तो इतने सालों में आपने अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा किया होगा खिलौने खेलने के खिलौने खरीदने के लिए, और अप्रोक्सीमेटली आपका मंथली खर्चा कितना आता है खिलौने के ऊपर, वो भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एन्जॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे एंड मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर।